चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर तुझे धन्यवाद दे इस मौका के लिए कि अभी हम तेरे वचन को हम सीखने जा रहे हैं। प्रभु तू ऊपर से हमें बुद्धि और ज्ञान दे। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। पाप के परिणाम स्वरूप हमारी मानवीय स्थिति क्या है, पढ़े रोमियो 3:19। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। अपराध बोध आंतरिक निंदा की भावना है जो हमारी पापपूर्ण स्थिति के परिणाम के रूप में आती है। पाप के कारण अपराध बोध होता है, लेकिन परमेश्वर के पास उपाय है। परमेश्वर का क्या उपाय है? मत्ती 1:21, वह पुत्र जानेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यशया 9:6-7 में हम यीशु के 5 नाम देखेंगे। पढ़ें यशया 9:6-7, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसका प्रभुता सदा सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धूल के द्वारा यह हो जाएगा। यहाँ 5 नाम हम पाते हैं यीशु का, आश्चर्यजनक या अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति के राजकुमार। हम व्यक्तिगत रूप से शांति और क्षमा कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो यीशु इतनी आसानी से प्रदान करता है? पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विशेष योग्य और धर्मी है। हमारे पापों को मानना, इसका मतलब क्या है? पाप को अंगीकार करने के बाद उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं तो यीशु उनके साथ क्या करने के लिए प्रतिज्ञा करता है? पढ़ें मीका 7:19, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लथड़ डालेगा, तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। भजन संहिता 103:12, उदय चल अस्त चल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जेरेमिया 31:34, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। पाप की निंदा, लज्जा और दोष के स्थान पर यीशु हमें क्या प्रदान करता है? पढ़ें मत्ती 11:28, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु हमें किस से विश्राम देता है? यीशु क्यों कहते हैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा? क्या वादा करता है? पढ़ें यशया 26:3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आपका मन यीशु पर टिके रहने का क्या अर्थ है? जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और उद्धार का उपहार प्राप्त करें जो वह प्रदान करता है, हम अभी भी दिल के दर्द, दुख और त्रासदी की दुनिया में रहते हैं, लेकिन एक दिन जल्द ही वह शांति के राजकुमार के रूप में अपने सभी लोगों के लिए वापस आएगा। जब हम इस संसार में थल पुथल और संघर्ष में रहते हैं तो वह कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं फिर आऊँगा। यूहन्ना 14:103, वो आ रहा है मित्र, और वह आज आपको अपने हृदय में शांति पाने के लिए आमंत्रित करता है जब आप उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब वह वापस आएगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर,
आपको धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए कि अभी हम तेरे वचनों को हम आलोचना करने के लिए समय पाए। तेरे वचनों में आशीष कर प्रभु, अंधकार में रखने की मदद कर, पापों को क्षमा कर। छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।